हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरे साथ एक स्कूटी एक्टिवा 3G, और मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ए आर वी ब्रदर्स। तो इस वक्त मैं आपको बताऊंगा आगे के सोकरों के बारे में, थोड़ी सी छोटी सी जानकारी, वो क्या है मैं बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा बाइकों के सोकर जो होते हैं, आगे का लेफ्ट और मतलब आगे का राइट साइड का सोकर और लेफ्ट साइड का सोकर, दोनों सोकरों के अंदर अंतर होते हैं। आप बाइक के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर राइट साइड का सोकर लेफ्ट में नहीं लगा सकते हो और लेफ्ट साइड का सोकर नहीं लगा सकते हो राइट में, मतलब पलट नहीं सकते हो एक तरह से। पर अगर सोकर के रॉडों की बात की जाए तो रॉडों को आप घुमा सके कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें तो हैं। बट अगर बात की जाए आपकी स्कूटी की, तो आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूटी के सोकर के भी आगे में ये फ़र्क होता है? बट मैं आपको सोकर दिखाता हूँ, उसके बाद बोलूँगा। अब ये देखो, दो सोकर हैं ये, इन दो सोकरों में आप बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं बता सकते, कोई भी अंतर नहीं है इन दोनों सोकर में। दोनों के दोनों सिमिलर, एकदम सेम डिट्टो हैं। ये देखो, दोनों सोकर सेम है, ये देख रहा हूँ, ये एक्टिवा गाड़ी के 3G के सोकर हैं, ये देखो एकदम सिमिलर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सोकर दोनों सेम है। बट आपको इस साथ में एक चीज़ शेयर करूँगा जो आज बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो क्या है? सोकर के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल, पहली डिटेल मैं आपको दे देता हूँ स्टार्टिंग में ही। जैसे मान लो मैंने सोकर लिए और फिट कर दिए, ये लग जाएंगे, फिर कुछ फर्स्ट क्लास काम करेंगे। बट कायदे में ये लगाने का तरीका, फिट करने का तरीका, ये बहुत अलग होता है। क्या? राइट वाला सोकर राइट में लगेगा, लेफ्ट वाला सोकर लेफ्ट में लगेगा। अगर हम लेफ्ट वाले सोकर को राइट में लगा देंगे और राइट वाले को लेफ्ट में लगा देंगे, तो हमारी गाड़ी का आगे का पूरा बैलेंस अनबैलेंस में काम करेगा, मतलब एक तरह से बैलेंसिंग आउट हो जाएगी। अब ये कैसे समझें, पहली चीज़ समझने की क्या है, पहली चीज़ समझने की ये है, देखो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ राइट साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड, देख रहा हूँ। पर कभी कभी क्या होता है, नए सोकरों के अंदर भी स्टिकर गायब हो जाता है या स्टिकर नहीं होते हैं, फिर होता है बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कि मैं तो कौन सा सोकर कहाँ लगाऊँ। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जो लेफ्ट वाला सोकर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो, ठीक है, और जो राइट वाला सोकर है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो। तो जो हार्ड वाला सोकर हो, यानी कि इसको जब आप दबाओगे इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे दबाओगे, ऐसे इस तरीके दबाओगे, तो आपको अलग ही पता लग जाएगा, ठीक है। और ये मैंने दबाया ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने दबाया, ये ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, ये लगेगा राइट साइड में, और ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ये लगेगा हमारा लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट और राइट वाला जो फंडा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने गलती से सोकर को एक्सचेंज कर दिया, तो आपकी गाड़ी के आगे के सोकर में अनबैलेंसिंग होगी और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, यार मैंने सोकर तो डलवा लिया बट मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? तो मैकेनिज्म का बहुत तगड़ा फंडा होता है, मैकेनिक अगर गलत तरीके से लगा दें तो आपके सोकर के पैसे तो वेस्ट होने ही हैं। अब मैं बताता हूँ फिटिंग करने के बाद किस किस तरीके को हमें समझना पड़ता है, नए सोकर डालने के बाद भी हमें इसको सेटिंग करानी पड़ती है, कैसे सेटिंग करानी है, छोटी छोटी चीज़ें समझना। सबसे पहले हम सोकर को फिट करते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी कीमत पर अगर आप गाड़ी में सामान डलवा रहे हो, तो ये दो चीज़ें कभी भी गलती मत करना इसमें। मतलब पहली चीज़ ये कि जो भी पार्ट आप गाड़ी में डलवा रहे हो वो पार्ट ओरिजिनल होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। और दूसरी गलती ये मत करना कि जिस हाथ में आपने पार्ट दे रखा है, यानी कि जो मैकेनिक अपनी गाड़ी में अपने फिट लगवा रखा है, वो मैकेनिक कोई नकली मैकेनिक नहीं होना चाहिए। अगर मतलब ये कि कोई अननॉलेजेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, जिसको ज्ञान की मतलब नॉलेज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका नुकसान होगा। कोई भी मैकेनिक अपने आप को मैकेनिक बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैकेनिक है, इसका मतलब ये होता है कि वो मैकेनिक नाम पे आपको बोल रहा है पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। देखो, अब जैसे मान के चलो इस गाड़ी के बारे में जो भी मैंने बताया वो सही आपके काम आया हो या नहीं आया हो, बट एक चीज़ आपके काम जरूर आएगी, आपको गाड़ी की स्किल्स के बारे में पता लगेगा, सोकर के बारे में पता लगेगा और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अब जैसे मान लो ये केम है, ये केम जो काम करती है, ये केम काम करती है जब हम गाड़ी के आगे का सोकर को चलाते हैं, तो ये केम ऊपर नीचे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है सोकर बंदे डलवाते हैं गाड़ी में, ठीक है, तो बंदे क्या करते हैं केम को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का आगे का सस्पेंशन प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो हर एक चीज़ को ना बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है, हर एक चीज़ की बारीकी जाननी पड़ती है। अगर किसी बंदे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है ना, एक्सपीरियंस होता है, तो वो छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ों को देखता है, तो गाड़ी में रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के आता है। ये चीज़ आपको समझना, चाहे वो ब्रेक शू डालने की समस्या हो, चाहे वो ब्रेक केबल डालने की समस्या हो, चाहे वो स्पार्क प्लग डालने की समस्या हो, सोकर डालने की समस्या हो। देखो, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आएंगी के सोकर ओरिजिनल कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ, गैब्रियल कंपनी के सोकर ओरिजिनल होते हैं और इंडोनेंस के सोकर ओरिजिनल होते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी होती है, बट ये दो कंपनियां जो हैं सबसे ज़्यादा जानी मानी होती हैं। गैब्रियल जो कंपनी के सोकर बनाती हैं, और एक इंडोरेंस जो कंपनी के सोकर बनाती है, सोकर के अलावा और भी सारी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये जो व्हील है ये फ्री है बिल्कुल,
ठीक है, सोकर का काम करने के बाद एक तरह से आगे का पूरा सस्पेंशन चेक किया जाता है। बाकी सोकर फिट हो चुके हैं, अब आपसे दो चार बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जॉब के लिए हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बातें करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, देखा आपने कि हमारी गाड़ी के सोकर हमने फिट किए, लेफ्ट राइट वाला बताया और कम्प्लीटली आपको जानकारी दी। कभी भी एक बात बता देता हूँ, कभी भी सोकरों की जो जानकारी मिले या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जानकारी मिले वो सही होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। मैं आपके साथ जो भी जानकारी शेयर करता हूँ सारी अपने एक्सपीरियंस बेस पे मतलब शेयर करता हूँ, और सारी के सारी सटीक और बढ़िया होती हैं। मैं कभी भी पेपर की कार्रवाई या कोई मतलब इस तरीके की वाली बात नहीं करता फालतू की जो इधर उधर की होती है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैंने सोकर के बारे में बताया ये सिर्फ एक्टिवा गाड़ी पर अप्लाई होते हैं और किसी गाड़ी पर अप्लाई नहीं होते। एक्टिवा सिर्फ और सिर्फ एक्टिवा गाड़ी या कोई ऐसी बाइक स्कूटी जो उसके सोकर इस टाइप के होते हैं, ओके। उसके अलावा जब भी सोकर की आप सेटिंग वेटिंग करा रहे हो, जैसे कि आपने देखा उसके लिंक बुश सोकर बुश, अगर आपकी गाड़ी में आगे की तरफ कॉन्सेट वॉन्सेट टाइप का या फिर कोई ऐसे से लहर सी रही ना गाड़ी और आपकी गाड़ी में सोकर सही है, तो आप समझ लो आपकी गाड़ी के लिंक बुश सोकर बुश खराब हो गए हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर लिंक बुश सोकर बुश खराब हो जाते हैं तो वो अलग से चेंज हो जाते हैं, सोकर के बुश भी और लिंक बुश भी। लिंक बुश सोकर बुश जो आपने अभी देखे हैं इस वक्त, वो लिंक बुश सोकर बुश खराब होने से गाड़ी लहरेगी और जब आप ब्रेक मारोगे तो ब्रेक मारने के बाद राइट साइड में जाएगी जिधर का बुश खराब होगा। जैसे मान लो राइट साइड का बुश खराब है तो बुश इधर जाएगी, लेफ्ट साइड का बुश खराब है तो इधर जाएगी ब्रेक मार रहे, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपकी गाड़ी में लिंक बुश सोकर बुश खराब हो गए हैं तो उनके बोल्ट को टाइट करके आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो, इमरजेंसी में काम चला सकते हो। बट अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो अगर मैं एक्सेस स्कूटी की बात करूं और एक्टिवा की बात करूं जो इसके सोकर हैं, तो एक्सेस स्कूटी के आगे के सोकर लाख गुना सही हैं। और अगर एक्टिवा की बात करूं और एक्टिवा 125 की बात करूं, एविएटर की बात करूं, तो एविएटर वाले सोकर बहुत अच्छे हैं, एक्टिवा 125 के सोकर बहुत अच्छे हैं। मतलब नॉर्मल स्कूटी वाले सोकर एक साइकिल टाइप के सोकर होते हैं, वो बिल्कुल भी मेरे को कंफर्टेबल नहीं रखते हैं। कभी भी गाड़ी हम चलाते तो हमें हल्का सा ओवरटेक करना में डर लगता है इन सोकरों में कि यार गाड़ी आगे से निकल ना जाए। तो ये वीडियो एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वर्कशॉप पे आके काम करवाना है अपनी बाइक का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फोन नंबर है, आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछते हो कमेंट करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो कैसी होगी आपके लिए कमेंट करके बताना, क्या चाहिए आपको वीडियो वो आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।